हिमाचल में लोकसभा चुनाव के चलते मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो रैलियां हो सकती हैं। भाजपा एक रैली मंडी में चाह रही है, दूसरी रैली के लिए पार्टी में चल रहा है मंथन। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए स्थान किए जाने हैं फाइनल। मंडी जोनल अस्पताल में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से लगाई आधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन डेढ़ महीने से खराब। 8 साल पुरानी इस मशीन के देश में अब नहीं मिल रहे स्पेयर पार्ट। ऐसे में रेड क्रॉस सोसाइटी मशीन के खराब स्पेयर पार्ट को विदेशों से मंगवाने की कर रही है तैयारी। राजधानी शिमला के झंझीझी इलाके में देर रात सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया गया क्षतिग्रस्त। पीड़ित वाहन चालकों ने लगाई प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में आज और कल बारिश बर्फबारी के साथ ही आंधी व तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। अगले सप्ताह ही है राहत के आसार। जिला कांगड़ा में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हथियार जमा न करवाने पर 25 लोगों को नोटिस किया गया जारी। किन्नौर के काशंग में गिरा एक बड़ा ग्लेशियर, इसके कारण सड़क मार्ग हुआ अवरुद्ध, विभाग जुटा सड़क मार्ग बहाल करने में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की एक शोध टीम ने प्राकृतिक पॉलीमर आधारित बहुक्रियाशील स्मार्ट माइक्रोजेल के विकास के साथ सस्टेनेबल कृषि में एक महत्वपूर्ण सफलता की है हासिल। इन माइक्रोजेल को विस्तारित अवधि में नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों की धीमी रिहाई के लिए इंजीनियर किया गया है, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए फसल पोषण को बढ़ाने के लिए एक आशाजनक समाधान करता है। पेश जोगिंदरनगर से अमृतसर जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के पिछले टायर अचानक खुल गए। गनीमत यह रही कि गाड़ी सड़क पर रुक गई, अन्यथा हो सकता था एक बड़ा हादसा। इस बस में सवार थी कई सवारियां। सिरमौर जिला में लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य कर एवं आबकारी विभाग अलर्ट। अवैध तस्करी रोकने के लिए जिला के सीमा क्षेत्रों पर आबकारी विभाग की विभिन्न टीमें की गई है तैनात। अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश सचिव देशराज ने चंबा में की प्रेस वार्ता। इस मौके पर उन्होंने चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत का किया दावा। गर्मियों के मौसम की शुरुआत होते ही डलहौजी में पर्यटकों का आगमन हुआ शुरू, इसके चलते डलहौजी पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तैयार किया मास्टर प्लान। हमीरपुर में भाजपा की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गई आयोजित। वहीं जिलाध्यक्ष देशराज शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस पार्टी पर कसे तंज। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में है अंतर। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में चैत्र नवरात्रि धूमधाम से हुए संपन्न। पूर्ण आहुति के साथ नवरात्रों का हुआ समापन। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पहुंचे लाहौल स्पीति के चीन सीमांत स्पीलो गांव। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बहुमत के साथ भाजपा की होगी जीत। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री का चुनाव लड़ने से इनकार। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कांग्रेस हाईकमान का प्रस्ताव विनम्रतापूर्वक ठुकराया। मंडी जिला के अग्निशमन केंद्र, सब स्टेशन और दमकल चौकियों की बात करें तो यहां पर केवल अग्निशमन फायर टेंडर ही उपलब्ध। दमकल चौकियों में जवानों की कमी भी आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए बनी हुई है परेशानियों का सबक। मंडी जिले के झिड़ी और कुल्लू जिले के मनाली में जिले के पहले सीएनजी स्टेशन को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए विस्फोटक उपमंडल कार्यालय चंडीगढ़ के प्रमुख उप मुख्य नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कार्यस्थल का भौतिक निरीक्षण किया और उन्होंने स्टेशन के संचालन के लिए औपचारिक अनुमति प्रदान की। कांगड़ा के जिले भर में मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों का चल रहा दौर। इस बीच खाद्य पदार्थ डालने के लिए प्रिंटेड कागजी लिफाफों का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल। इन कागजों में इस्तेमाल होने वाली स्याही स्वास्थ्य लिए हो सकती है घातक साबित। ऊना क्षेत्रीय अस्पताल में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है प्रयास। इस कड़ी में सुबह अस्पताल प्रबंधन की ओर से एक टीम अस्पताल परिसर का दौरा करेगी और मरीजों को आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल कर उसे जल्द दूर करने का प्रयास करेगी। जिला सोलन के परवाणू में सामने आए डायरिया के 21 नए मरीज। वहीं ईएसआई अस्पताल में 230 हो गए हैं पूरे डायरिया के मामले। ग्लेशियर गिरने के चलते जहां किन्नौर में काशंग मार्ग अवरुद्ध हो गया है तो वहीं सेब के बगीचों सहित अन्य संपदा को भी पहुंचा है भारी नुकसान। काशंग जल विद्युत परियोजना के ठेकेदारों द्वारा मशीनरी की सहायता से सड़क पर गिरे ग्लेशियर को हटाया जा रहा है ताकि परियोजना के कार्य शुरू किए जा सके और बागवान व किसान अपने बगीचों व खेतों में पहुंचकर नुकसान का आकलन कर सके। धर्मशाला नगर निगम के वार्ड 9 सकोह में बने फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट प्लांट के अप्रोच रोड का टेंडर लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद होगा। इस पर जल शक्ति विभाग की ओर से करीब 1 करोड़ की राशि की जाएगी खर्च। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी तय करने में कांग्रेस अब हर विकल्प पर गहन कर रही है विचार विमर्श। बड़सर और सुजानपुर के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस अभी प्रत्याशी नहीं कर पाई है घोषित। प्रत्याशी की घोषणा के लिए लगभग 1 सप्ताह तक करना होगा इंतजार। हमीरपुर जिला के 745 स्कूलों में विकास कार्य अब स्कूल प्रबंधन समिति के निर्णय के अनुसार ही होंगे। स्कूल प्रमुखों को स्कूल में विकास कार्य करवाने के लिए एसएमसी से लिखित रूप में लेनी होगी सहमति। स्कूल प्रमुख अपनी मर्जी के अनुसार स्कूल भवन और परिसर में नहीं करवा सकेंगे निर्माण कार्य। जिला हमीरपुर के रंगसखैरी बाजार में 3 वर्षों से अधर में लटके सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। वर्ष 2022 में सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, इसके बाद बजट लैप्स होने से अधर में लटक गया था निर्माण कार्य। कुछ दिन पूर्व राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने 2 लाख की धनराशि शौचालय के निर्माण कार्य के लिए जारी की है, इससे निर्माण कार्य शुरू होने की जगी है आस। चंबा का ऐतिहासिक चौगान नंबर 1 बुधवार को आम जनमानस की आवाजाही के लिए खुला, लोगों ने राहत की ली सांस।
चंडीगढ़ से हिमाचल घूमने आए एक युवक की जिला कुल्लू की पार्वती घाटी में हुई मौत। पुलगा से मणिकरण की तरफ आ रहा था युवक, इस दौरान वह रास्ते में गिरने के कारण हो गया बेहोश। युवक को एम्बुलेंस से उपचार को जरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत किया घोषित। सोलन में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का किया गया आयोजन, इस मौके पर 88 बच्चों को धारण करवाए गए जनेऊ। बस अड्डा हमीरपुर में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन, इसमें निगम के चालक प्रचालक सहित अग्निशमन कर्मी हुए शामिल। सोलन के जंगलों में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम से संबंधित उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं लघु नगर गश्त अधिनियम 1964 की धारा 3 के तहत आदेश किए जारी 15 अप्रैल 2024 से सोलन जिला के समस्त गांवों के निवासी सभी सक्षम पुरुष जंगलों में आग से बचाव के लिए गश्त लगाने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह आदेश 15 जुलाई 2024 तक रहेंगे लागू। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं, पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।